जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम अंजलि मिश्रा, आई एम योर संस्कृत टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट लेसन थर्ड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। नेम ऑफ लेसन इज धातु मीन्स क्रिया, लट लकार इसका अर्थ है वर्तमान काल। क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया क्या होती है? इसकी परिभाषा है, जहाँ किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वहाँ क्रिया होती है। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया का मूल रूप कहलाती है। संस्कृत में क्रिया पद तीन लिंगों की तरह ही होते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में तीन लिंग, तीन वचन व तीन पुरुष होते हैं। लट लकार वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में वह के लिए, पुल्लिंग में सह, द्विवचन में तो, बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में सा, द्विवचन में तो, बहुवचन में ता। नपुंसक लिंग में एक वचन के लिए तत्, द्विवचन के लिए ते, बहुवचन के लिए तान। और इसमें धातु में हम लोग एक वचन के लिए अति ऐड करेंगे, द्विवचन के लिए अतः और बहुवचन के लिए अंति। मध्यम पुरुष एक वचन के लिए त्वम, द्विवचन के लिए युवाम और बहुवचन के लिए यूयम। त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दो और यूयम का अर्थ है तुम सब। और इसमें क्रिया में हम एक वचन में असि को जोड़ देंगे, द्विवचन में अथह और बहुवचन में अथ। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम मीन्स मैं, द्विवचन में आवाम मीन्स हम दोनों और बहुवचन में वयम मीन्स हम सब। और इसमें धातु में एक वचन में आम जोड़ देंगे, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। चल धातु लट लकार यानी चलना का वर्तमान काल रूप। प्रथम पुरुष में एक वचन के लिए चलति, द्विवचन के लिए चलतः, बहुवचन के लिए चलन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में चलसि, द्विवचन में चलतः, बहुवचन में चलत। उत्तम पुरुष एक वचन में चलामि, द्विवचन में चलावह और बहुवचन में चलाम। पठ यानी पढ़ना का वाक्य प्रयोग अब हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में देखेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में सह पठति, इसका अर्थ है वह पढ़ता है। द्विवचन में तो पठतः, इसका अर्थ है वे दो पढ़ते हैं। बहुवचन में ते पठन्ति यानी वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम पठसि, इसका अर्थ है तुम पढ़ते हो। द्विवचन में युवाम पठतः मीन्स तुम दो पढ़ते हो। बहुवचन में यूयम पठत, इसका अर्थ है तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष एक वचन अहम पठामि, इसका अर्थ है मैं पढ़ता हूँ। द्विवचन में आवाम पठावह, इसका अर्थ है हम दो पढ़ते हैं। और बहुवचन में वयम पठामह, इसका अर्थ है हम सब पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने ऊपर पठ धातु का प्रयोग पढ़ा है और वह पुल्लिंग के साथ है। अब हम लिख धातु का यानी लिखना का वाक्य प्रयोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग कर्ता के साथ। प्रथम पुरुष एक वचन में सा लिखति, इसका अर्थ है वह लिख रही है। द्विवचन में ते लिखतः, इसका अर्थ है वे दो लिख रही हैं। बहुवचनम ता लिखन्ति, इसका अर्थ है वे सब लिख रही हैं। मध्यम पुरुषः एक वचनम त्वम लिखसि, इसका अर्थ है तुम लिख रही हो। द्विवचनम युवाम लिखतः, इसका अर्थ है तुम दो लिखती हो। बहुवचनम यूयम लिखत, इसका अर्थ है तुम सब लिख रही हो। उत्तम पुरुषः एक वचनम अहम लिखामि,
इसका अर्थ है मैं लिखती हूँ। द्विवचनम आवाम लिखावह, इसका अर्थ है हम दो लिख रही हैं। और बहुवचनम वयम लिखामः, इसका अर्थ है हम सब लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स।